तो गाइस अभी मैं ना ऐसी बैठा बताओ सोचा था आखिरकार वीडियो क्या बनाऊं, क्योंकि हमारे पास भी कंटेंट की कमी हो गई है। आप बताओ कब तक मैं 2017 वर्सेस 2022 डालता रहूंगा। तो देखो जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इस टाइम मुझे सोचते सोचते कम से कम 3 घंटे हो चुके हैं। आखिरकार हम करें तो करें क्या, वीडियो बनाएं तो बनाएं क्या, लेकिन सोचते सोचते पता ही नहीं चला मैं कब सो गया। और उसके बाद मेरे सपने में एक बंदा आता है जो कि मुझसे ये कहता है, ए भाई सुनना भाई, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। अब आप ऐसे जितने बंदे पुराने जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो उनको पता होगा ये बंदा कौन है, लेकिन जिनको नहीं पता तो मैं बता दो, ये बंदा वो है जो कि सिर्फ गोस्ट आईडी वाली वीडियो में आता है। और हाँ, इसे एक चीज याद आई भाई, गोस्ट आईडी वाली वीडियो मैंने लास्ट टाइम कब डाली थी, हाँ ये कर लो पहले, समझ रहे हो भाई। हम लोग मजाक को साइड में रखते हैं, मुझे लिटरली 1.5 महीना हो चुका है, मैंने अभी तक कोई भी गोस्ट आईडी वाली वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो गाइस फिर क्या था, मैं लग के अपनी रिसर्च पे, और इसके बाद मैंने आपके लिए पूरी 5 ऐसी आईडीज ढूंढी है जो कि गाइस फ्री फायर की मोस्ट हॉरर आईडीज हैं। मतलब उन आईडीज को देखकर आप लोग भी बोलोगे ओ भाई ये क्या है, क्योंकि वो आईडीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उन आईडीज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एबनॉर्मल चीजें हैं जिसको देखकर लगता है वो आईडी किसी भी इंसान की तो हो ही नहीं सकती है, वो आईडी पक्का किसी ना किसी गोस्ट की होगी या फिर किसी एलियन की होगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो तो आपको आज की आईडीज देखने के बाद ही पता चलेगा। और गाइस आज की वीडियो और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्री फायर के अंदर बनने वाली सबसे पहली आईडी भी दिखाने वाला हूं। तो गाइस क्या आप लोगों ने कभी बात सोची है फ्री फायर के अंदर बनने वाली सबसे पहली आईडी का लेवल कितना होगा, उसको फ्री फायर ने क्या क्या गिफ्ट दिए होंगे और क्या वो बंदा अभी तक फ्री फायर को खेलता है, तो ये सभी गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्री फायर की ऐसी आईडी भी दिखाऊंगा जिसके अंदर उस आईडी के मालिक ने सीजन 1 के इलाइट पास में बहुत ज्यादा बैजेस परचेस करे थे और उसके बाद में उस बंदे ने फ्री फायर को टाटा बाय बाय कर दिया। तो चल फिर अपने इस वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यार उससे पहले आज मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड के अंदर फ्री फायर के बहुत ही अमेजिंग ऐप के बारे में बताने वाला हूं, तो इसके बिल्कुल मत करना। तो गाइस आज मैं आपके लिए ऐसे ट्रिक लेकर आया हूं जिससे आपको 100 डायमंड बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। बस आपको खिलाड़ी अड्डा ऐप को इंस्टॉल करना है और फिर मेरा रेफर कोड जो कि free20 से आपको ज्वाइन करना है, और जो जो मेरे रेफर कोड से ज्वाइन करेंगे उनमें से 10 रैंडम प्लेयर्स को मिलेंगे 100 डायमंड खिलाड़ी अड्डे की तरफ से बिल्कुल फ्री में। खिलाड़ी अड्डा ऐप में फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के कस्टम एंड डेली स्क्रीम खेलकर डेली 1000 से लेकर 2000 रुपए तक जीत सकते हो। खिलाड़ी अड्डा ऐप इस महीने में लगभग 1500 से भी ज्यादा कॉन्टेस्ट होस्ट कर रही है जहां हर खिलाड़ी रोज 5000 रुपए तक जीत सकता है। इनमें से मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है शाम के 11:30 बजे होने वाला सर्वाइवल बैटल, इसमें जो सबसे आखिरी तक जिंदा रहता है वही सबसे ज्यादा प्राइज मनी भी जीतता है। अगर आप किल करने में माहिर नहीं है लेकिन कैंपिंग में एक्सपर्ट, तो दोस्त ये खेल है आपके लिए। मतलब ये कॉन्टेस्ट सबसे हटकर है, इसे किसी भी लेवल का खिलाड़ी खेल और जीत सकता है और बिना किल्स के भी माला माल हो सकता है। और इसके साथ एक और मस्त ऑफर है, जो भी नया यूजर ऐप को ज्वाइन करेगा उसे ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा जिससे वो अपना पहला मैच तो बिल्कुल फ्री में खेल सकता है। साथ ही साथ खिलाड़ी अड्डा के डिस्कॉर्ड सर्वर टायर 1, टायर 2, टायर 3 के प्रैक्टिस स्क्रीम होते हैं और डेली डायमंड गिव अवे भी होते हैं। खिलाड़ी अड्डा क्रिसमस पर खिलाड़ी कप विंटर विजार्ड टूर्नामेंट भी रख रहे हैं जिसका प्राइस पूल 15,000 रुपए, इसलिए जल्दी से टूर्नामेंट में रजिस्टर कर लो अपने स्क्वाड, क्योंकि सिर्फ 5000 स्लॉट्स ही अवेलेबल है। अब सारा कुछ मैं ही नहीं बताऊंगा, जाओ जाकर ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और free20 रेफर कोड यूज करोगे तो एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा और 100 डायमंड भी। तो अभी रजिस्टर करें। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे गोस्ट आईडी नंबर 5 के साथ। तो गाइस नंबर 5 पर जो गोस्ट आईडी आती है उसको आप लोग देख सकते हो, ये आईडी फ्री फायर में बहुत टाइम से ऑफलाइन है। अब देखो इस आईडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस आईडी को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देखो इस आईडी का लेवल 42 है, सिर्फ 15 लाइक्स है। और चलो इसको भी छोड़ो, इस बंदे के बैजेस यहाँ पर देखो सीजन 1 और 2 और 3 के, एंड उसके पास है यहाँ पर इस बंदे के पास कोई भी बैजेस नहीं है। मतलब ये बंदा सीजन 3 के बाद से फ्री फायर में ऑफलाइन हो गया। लेकिन सर आप लोग इस फोटो के अंदर देखो एकदम सेम आईडी है और बैजेस भी एकदम सेम है, लेकिन सर आप लोग यहाँ पर इसका हेड देखो तो हिप हॉप बंडल का कैप है। लेकिन अगर अभी सेम यही आईडी में सर्च कर रहा हूं तो गाइस यहां पर तुम्हारे मैक्सिम का कैप आ रहा है। और अगर आपको मेरा एक्सपेंशन देखना है तो यहां पर देख लो भाई, जितना भी ड्रेस वाला एक्सपेंशन था ना मैंने सब भी डाउनलोड कर रखा है। तब सवाल यही आता है, अगर ये बंदा फ्री फायर में 3 साल से ऑफलाइन है तो आखिरकार इस बंदे ने अपनी ड्रेस कैसे चेंज करी, और ये चीज इस आईडी को बनाती है हमारे फ्री फायर की गोस्ट आईडी। चलो देरी नहीं करते, सीधा हम लोग बढ़ते हमारी गोस्ट आईडी नंबर 4 की ओर। तो गाइस नंबर 4 पे जो हमारी एक आईडी आती है उसका लेवल 11 है, और इस आईडी को देखकर आप लोग सोचोगे भाई क्या गरीब सी आईडी मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि बाहर से देखने में तो ऐसे ही लगता है कि इस आईडी के अंदर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन रुको जरा सब्र करो भाई, जैसे मैं आईडी को ओपन करता हूँ ना, आईडी देखकर आप लोग भी एक चीज बोलोगे, ओ भाई ये क्या है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो 11 लेवल की आईडी के अंदर 52,000 बैजेस। अब अगर आईडी के अंदर बस इतना ही होता ना तब भी हम लोग मान लेते चलो अमीर बंदा होगा जिसने कम लेवल पे इतने ज्यादा बैजेस खरीद लिए। लेकिन आईडी की जो मिस्टीरियस चीजें थी वो यहीं पर खत्म नहीं होती है। आप लोग यहाँ पर देखो जिस सीजन में इस बंदे ने बैजेस बाय करे हैं उससे सिर्फ 1 सीजन पहले इस बंदे ने फ्री फायर को डाउनलोड करा था, और इसके पिछले सीजन में इस बंदे ने इलाइट पास तक नहीं लिया और बंदे के पास कोई अच्छी ड्रेस तक नहीं है। और चलो इतना भी सह लेंगे, लेकिन भाई यहाँ पर देखो जिस सीजन में इस बंदे ने बैजेस बाय करे
हैं। उसके अगले सीजन में बंदे ने फ्री फायर को क्विट कर दिया और पूरे लाइफ में इस बंदे ने फ्री फायर में सिर्फ 29 मैचेस खेले। अब आप लोग खुद सोच लो, सिर्फ 29 मैचेस खेलने के लिए इस बंदे ने 50,000 बैजेस बाय कर लिए। अगर इसको फ्री फायर 2-3 साल तक खेलना होता तो भाई ये बंदा क्या करता। और इस आईडी इतनी ढेर सारी एबनॉर्मल चीजों की वजह से ये आईडी आती है हमारी गोस्ट आईडी की लिस्ट में नंबर 4 पे। चलो अभी मैं आपको दिखाता हूं हमारी गोस्ट आईडी नंबर 3। तो गाइस नंबर 3 पर जो हमारी गोस्ट आईडी आती है ना, वो भी एक बहुत ही यूनिक आईडी है। आप लोग देख सकते हो यहां पर ये आईडी हमारे फ्री फायर में बहुत टाइम से ऑफलाइन है। और जैसे मैं आईडी ओपन करता हूं तो यहां पर आपको देखने मिलेगा इस बंदे का लेवल था 52। लेकिन इस बंदे की मेन चीज ये नहीं थी। इसके आईडी के अंदर जो मेन चीज आती है वो इस बंदे के बैजेस। आप लोग देख सकते हो यहां पर इस बंदे की आईडी में सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 4 के बैजेस हैं। और सिर्फ बैजेस नहीं बल्कि पूरे इलाइट पास भी हैं। मतलब इस बंदे ने सीजन 1 से लेकर सीजन 4 तक सारे इलाइट पास परचेस करे, जो कि हमारे फ्री फायर के अब तक के सबसे बेस्ट इलाइट पासेस हैं। लेकिन इसके बाद में पता नहीं इस बंदे को क्या हुआ, जिस बंदे ने फ्री फायर को एकदम से क्विट कर दिया। आप लोग खुद सोचो, अगर आप लोगों ने फ्री फायर को डाउनलोड करा है, आप लोग फ्री फायर में इतने ढेर सारे पैसे लगा रहे हो और वो भी उस टाइम पे जब फ्री फायर एकदम नया नया लॉन्च हुआ था, और उसके बाद में कि आप लोग फ्री फायर को एकदम से क्विट कर सकते हो। जाहिर सी बात है ऐसे कोई बंदा फ्री फायर को क्विट नहीं करेगा, लेकिन इस बंदे की आईडी में कुछ ऐसा ही है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है इस बंदे ने फ्री फायर को क्विट क्यों करा होगा, ये बात आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हां, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो भाई कर दो यार। इतनी मेहनत से मैं आपके लिए ऐसी गोस्ट आईडी निकाल के ला रहा हूं जो कि भाई आज तक किसी ने नहीं देखी होंगी। तो इसी बात पे एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और गाइस इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं हमारी गोस्ट आईडी नंबर 2। तो गाइस नंबर 2 पर जो हमारी गोस्ट आईडी आती है भाई, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई। इस बंदे को आप लोग लिटरली में फ्री फायर का रिचेस्ट प्लेयर बोल सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो आपको इस बंदे की आईडी देखने के बाद पता चल ही गया होगा। यहां पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे का लेवल सिर्फ 57 है। मतलब बंदे का 60 लेवल भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इस बंदे के आप लोग बैजेस देखो भाई। देखो इस बंदे के पास कितने ढेर सारे बैजेस हैं। किसी सीजन में 8,000, किसी में 3,000, और वो भी अभी के सीजन के नहीं, वो भी 3-4 साल पहले वाले सीजन के। यहां पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे ने सीजन 1 के अंदर भी 530 बैजेस बाय करे थे। ये फ्री फायर का वो टाइम था जब फ्री फायर में कोई बंदा इलाइट पास तो परचेस करता नहीं था, तो बैजेस तो क्या ही परचेस करता। लेकिन भाई ये बंदा तो सबसे अलग ही निकला। इस बंदे ने सीजन 1 के अंदर भी 500 से ज्यादा बैजेस बाय कर लिए, जिसको बाय करने के लिए 10,000 से ज्यादा डायमंड चाहिए होते हैं। और बस इतने नहीं, देखो इस बंदे ने सीजन 7 तक बैजेस बाय करे थे, लेकिन उसके बाद में ये बंदा फ्री फायर से एकदम गायब हो गया। और उसके पूरे 2 साल के बाद ये बंदा फ्री फायर में वापस तो आया, लेकिन सिर्फ 50 बैजेस क्लेम करे और फ्री फायर में दोबारा से गायब हो गया। और उसके बाद में इस आईडी का कुछ पता नहीं चला कि आखिरकार ये बंदा कौन था, बैजेस बाय क्यों करता था। और इसकी आईडी से फ्री फायर की मिस्ट्री बन के रह गई है। सो ऑल राइट, यहां तक गाइस हम लोगों ने पूरी 4 आईडीज कवर कर ली हैं। अभी बाकी है सिर्फ टॉप 1 की आईडी, जो कि गाइस मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, जो कि फ्री फायर की फर्स्ट आईडी होने वाली है। अब आप लोग सोचोगे आखिरकार मुझे कैसे पता चला कि फ्री फायर की फर्स्ट आईडी कौन सी थी। तो गाइस किसी बंदे की जो यूआईडी होती है, उसकी आईडी का नंबर ही होता है कि वो बंदा फ्री फायर का कौन सा प्लेयर था। और आपने ये चीज नोटिस करी होगी, फ्री फायर का जितना पुराना प्लेयर होता है उसकी यूआईडी उतनी छोटी होती है। अब अगर यूआईडी के सेक्शन में मैं सिर्फ 1 सर्च करूं तो वहां पर कोई भी आईडी नहीं आएगी, क्योंकि फ्री फायर के अंदर कोई भी आईडी मिनिमम 8 डिजिट की होती है। तो गाइस हमारी जो 1000001 आईडी है, ये हमारी टेक्निकली फ्री फायर की फर्स्ट आईडी है। अब देखो जहां तक मुझे लगता है ये आईडी किसी भी नॉर्मल बंदे की नहीं है। ये बंदा शायद फ्री फायर का मॉडरेटर हो सकता है, फ्री फायर का कोई वर्कर हो सकता है, क्योंकि गरीना कंपनी में तब काम कर रहा होगा जब फ्री फायर बन रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है गेम को सबसे पहले तो उन्हीं लोगों ने खेला होगा जिन्होंने गेम को बनाया होगा। तो गाइस आप लोग यहां पर आईडी को देख सकते हो भाई, इस आईडी के अंदर सिर्फ 44 लेवल है और 72 लाइक्स है। और यहां पर मैं इस बंदे के बैजेस देख रहा था, तो गाइस यहां पर इस बंदे के कोई भी पुराने बैजेस शो ही नहीं कर रहा था। मतलब यार ये बंदा हमारे फ्री फायर का सबसे पहला प्लेयर है, उस बंदे ने सीजन 1 के लेट पास ना खेला हो, ऐसा हो सकता है। और गाइस शायद अभी के टाइम आपको लग रहा हो इस बंदे की आईडी में कोई अच्छा कलेक्शन नहीं है। जब पहली बार इस बंदे की आईडी मैंने सर्च करी थी तो इस बंदे की आईडी मुझे रेड क्रिमिनल बंडल दिखा था, और सेकंड टाइम जब सर्च करी थी उस टाइम मुझे दिखा था सीजन 1 का लेट पास। लेकिन जब अभी ये 3-4 महीने बाद मैं ये आईडी को सर्च कर रहा हूं, तो गाइस यहां पर कोई भी ड्रेस नहीं दिखा रहा है। अब और तो यार इस आईडी के बारे में क्या ही बताऊं, इस आईडी के अंदर यार बहुत ज्यादा मिस्ट्रीज है। लेकिन यार फिर भी आप लोग बताना आपको ये आईडी कैसे लगी। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Yo, yo, yo.